अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबके। एक बार फिर खान किचन में एक न्यू रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ और मेरी आज की रेसिपी का नाम है चटपटा भुना गोश्त। और साथ में मैं इसके साथ बना रही हूँ लच्छेदार पराठे। तो चलें व्यूवर्स, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरे पास आधा किलो चिकन है, बीफ है। और जो है ना, ये बीफ मैंने अपने 3G पेस्ट के साथ जो है ना बॉईल करने के लिए रख दिया था। ये बॉईल किया हुआ आधा किलो गोश्त है मेरे पास। और ये मेरे पास जो है गार्लिक केचप है, टमाटो गार्लिक केचप। और ये मेरे पास 2 टेबल स्पून बटर है। ये मेरे पास 3 छोटी प्याज थी, वो मैंने काटी हुई है, ये वो है। और ये मैं 3 छोटे साइज़ के टमाटर थे जो मैंने काट के और ग्लेंडर में ग्लेंड कर दिए थे। और ये कुछ स्पाइसेस हैं जो इसमें भुने गोश्त में ऐड होंगे। इसमें है 1 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला, 1 टेबल स्पून इसमें भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून इसमें चिकन पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून इसमें रेगुलर जो हमारी पिसी हुई लाल मिर्च होती है वो है, और 1/2 टेबल स्पून ही इसमें देगी लाल मिर्च है। 1 टेबल स्पून इसमें सूखा धनिया है, 1/2 टेबल स्पून इसमें काली मिर्च है, और 1/2 टेबल स्पून जो है इसमें हल्दी है। ये तमाम स्पाइसेस हैं जो इसमें ऐड होंगे। और आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और बनाते हैं चटपटा भुना गोश्त। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने पैन में जो है 4 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। और जो है ना, मैं अब इसमें प्याज ऐड करके और प्याज को ब्राउन होने तक पकाऊंगी। जब प्याज मेरे ब्राउन हो जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगी आगे क्या करना है। देखिए व्यूवर्स, प्याज मेरे ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें यह बॉयल किया हुआ गोश्त ऐड कर दूँगी और साथ में तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड कर दूँगी। तो तमाम मसाले इसमें चले गए। अब मैं इसको इसके साथ थोड़ा सा भून लूँगी। देखो व्यूवर्स, इसको भूनते जाएंगे और इसमें 1 टेबल स्पून पानी ऐड करते जाएंगे ताकि मसाला हमारा जले नहीं। ये देखें, एक बार मैं इसमें और डालूंगी। ये देखें व्यूअर्स, ये 3 मिनट मैंने इसको इस तरह भुना है। 3 मिनट बाद मैं इसमें ये ग्राइंड किए हुए पिसे हुए जो मैंने टमाटर को ग्राइंड किया था वो टमाटर इसमें ऐड कर दूंगी। टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर कर दूंगी, जब तक ये टमाटर का पानी इसमें खुश्क ना हो जाए। अब मैं इसको कवर कर दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। देखें व्यूअर्स, ये इसका ऑयल ऊपर आ गया है, ये देखें। अब मैं इसमें 2 चम्मच गार्लिक सॉस डालूंगी, चिली गार्लिक सॉस। ये 2 टेबल स्पून इसमें ये ऐड हो गया। ये देखें व्यूअर्स, इसको अभी मैं 5 से 10 मिनट और पकाऊंगी, फिर उसके बाद मैं इसमें 2 टेबल स्पून बटर ऐड कर दूंगी। अब आ जाते हैं व्यूअर्स लच्छेदार पराठों की तरफ। उसके लिए मैंने आटा गूंद दिया। ये देखें, आटा इतना सॉफ्ट होना चाहिए। इस आटे में मैंने जो है 2 कप मैदा लिया है और 1 कप जो है फाइन आटा जो होता है पराठों का फाइन आटा वो मैंने 1 कप लिया है। 2 कप मैदा, 1 कप फाइन आटा और जो है 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर बटर ऐड किया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है और 6 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर दूध ऐड किया है। फिर उसके बाद मैंने इसको नीम गर्म पानी के साथ गूंद दिया है। गूंदने के बाद मैंने इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इसको रेस्ट दिया। रेस्ट देने के बाद मैंने इसके इस तरह नॉर्मल साइज़ के पेड़े बना दिए। अब ये पेड़े बन गए हैं।
अब देखें व्यूवर्स, ये एक ही पेड़े के हम चार पेड़े बना देंगे छोटे छोटे, ये एक ही पेड़े जो हमने एक पेड़ा वो किया था उसके हम चार ऐसे छोटे छोटे पेड़े बना देंगे। ये देखें व्यूवर्स, इस एक पेड़े के इस तरह हमने चार पीसेस कर दिए हैं और इसके इस साइज़ के चार पेड़े बन जाएंगे। देखें व्यूवर्स, भुना गोश्त रेडी है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून बटर ऐड करूँगी। ये देखें, मैंने इसमें बटर ऐड कर दिया, बस ये रेडी है। अब मैं इसे डिश आउट करके सर्व करके आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जब तक मैं इसे कवर करके रख देती हूँ, पहले मैं लच्छेदार पराठे रेडी करूँगी, फिर उसके बाद मैं आपको इसको सर्व करके बताऊँगी कि इसकी सर्विंग किस तरह होगी। ये देखें व्यूवर्स, मैंने इस तरह छोटे छोटे पेड़े बना दिए हैं। अब मैंने उसमें से एक पेड़ा ले लिया है, अब मैं इसको बेलूँगी। बेलने के बाद मैं तमाम जो पेड़े हैं उनको इसी तरह बेल दूँगी। देखें व्यूवर्स, ये मैंने बेल लिया है। अब ये मेरे पास तकरीबन 4 चम्मच इसमें मैंने घी डाला है और 4 ही चम्मच मैंने इसमें नॉर्मल जो आटा होता है वो डाल के ये इस तरह की लई बनाई है मैंने। अब ये मैं इसके ऊपर इस तरह फैला दूँगी। ये पूरी इसको इस तरह कवर कर दें। अब इसके ऊपर ये नॉर्मल आटा छिड़क देंगे। आटा छिड़कने के बाद इसके ऊपर मैं दूसरी रोटी रख दूंगी ऐसे। अब इसके साथ भी वही स्टेप करेंगे। देखें व्यूवर्स, ये तमाम मैंने इसके साथ रोटियां इसके ऊपर वो कर दी है। अब मैं इसके इस तरह इसको काटूंगी लंबाई में इस तरह। ये मैं यूं रख दूंगी और इसको ऐसे करके एक पेड़ा बना दूँगी। ये आप इसके लच्छे देख रहे हैं, ये एक पेड़ा बन गया। ये मैंने एक पराठा डाल दिया है तवे पे। अब जब ये बन जाएगा तो मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, ये एक लच्छेदार पराठा रेडी हो गया है। ये देखें आप, ये देखें, ये देखें इसके ये लच्छे देखें किस तरीके के। ये देखें, ये इसी तरह ये एक लच्छेदार, ये देख रहे हैं आप, ये देखें व्यूवर्स, ये देखें ये लच्छेदार पराठा रेडी हो गया। ये देखें, ये देखें व्यूवर्स, ये भुना गोश्त और लच्छेदार पराठे रेडी हो गए हैं। आप इसको इसी तरह पराठों के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ इसको सर्व करें और इन्जॉय करें। और मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये लच्छेदार पराठे बनाइएगा और घर वालों को खिलाइएगा, और मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।